नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, हमारा लाइफस्टाइल आज जिस तरह का हो गया है, ऐसे में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याएं हैं, टेंशन है, और इस टेंशन के बीच में हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और एक प्रॉब्लम होती है वो है बालों का झड़ना। आज जिस लाइफस्टाइल में हमारे बाल झड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गंजापन आने लगा है, या फिर हेरिडिटी जिसकी वजह से धीरे धीरे बाल कम होने लगे हैं, ऐसे में इस समस्या का हल क्या है, निजात कैसे पाया जाए। हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, ये इस समस्या का क्या निजात होता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। और आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा हैं, MCH है, प्लास्टिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी करते हैं सर, मेडिकल डायरेक्टर हैं, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक क्लिनिक है जयपुर में उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मेघा जी। डॉक्टर सुनील अरोड़ा, जो 2009 से ये सर्जरी कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं, 2023 आ चुका है और अब लगभग शायद 10,000 के आसपास सर आप सर्जरी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 2009 से हम लोग ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं और सर्जरीज काफ़ी कर चुके हैं, इनफैक्ट नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। और मोस्टली जो इन 14-15 सालों में ट्रेंड हमने देखा है, वो ये देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले लोगों का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस तरह के प्रोसीजर्स कराने में, जो कि लाइफस्टाइल प्रोसीजर्स होते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो एक माइंडसेट को बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, क्योंकि आज हम हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करने वाले हैं, और सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही जान लेते हैं। सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि दिमाग में सवाल लोगों के उठते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या नहीं कराएं, गंजापन हो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है फिर भी उससे पहले गंजे हो गए। हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि सर के या शरीर के किसी भी हिस्से में जिसमें कि बाल नहीं है और बालों की जरूरत है, उस हिस्से में सर के पीछे से बाल लेकर के प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें मोस्टली 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है निकालना बालों का, दूसरा स्टेप होता है बालों के लिए जगह बनाना स्कैल्प के अंदर, और तीसरा स्टेप होता है उस जगह में बालों को पिरोना। जी सर, ये किया कैसे जाता है? ये पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीजिया में होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बालों को डोनर एरिया से निकालना। डोनर एरिया वो एरिया होता है स्कैल्प के पीछे का, जो कि मेल्स के अंदर, अगर आप देखेंगे तो मेल्स में भी बॉल्डनेस जो होती है वो टॉप पे या फ्रंट में ही होती है स्कैल्प में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जो पीछे का एरिया होता है स्कैल्प का, सर का, उस एरिया में बाल इंटैक्ट रहते हैं। इनफैक्ट लाइक एज होने के बाद भी वहाँ के बाल नहीं जाते हैं। तो उस एरिया को हम सेफ जोन या परमानेंट डोनर एरिया कहते हैं, परमानेंट जोन कहते हैं। उस एरिया से बाल निकाले जाते हैं स्टेप 1 में, और वो जो बाल निकालने की प्रक्रिया है वो 2 तरह से की जा सकती है। एक टेक्निक होती है FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, और दूसरी टेक्निक होती है FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। बाल निकालने के बाद इन बालों को प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोस्कोप में, मैग्निफिकेशन में, और फिर दूसरा स्टेप जिसके अंदर की जिस एरिया में भी, जो कि मोस्टली स्कैल्प होता है मेल्स के अंदर, स्पेशली फ्रंट का जो एरिया होता है स्कैल्प का जहाँ बॉल्डनेस होती है, उसमें बालों को डालने के लिए जगह बनाई जाती है जिसे हम स्लिट्स कहते हैं। बहुत ही महीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके वहाँ पे एक तरह से होल्स क्रिएट किए जाते हैं, बालों को डालने के लिए जगह क्रिएट की जाती है, और वो इस तरह से क्रिएट की जाती है जिससे कि डेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आए, नेचुरल आए, और उसके साथ साथ जो बालों का डायरेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम नेचुरल लुक देने की कोशिश की जाती है स्लिटिंग के द्वारा। फिर तीसरा स्टेप आता है जिसको कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें कि जो बाल हमने प्रिपेयर किए हैं और जो स्लिट्स हमने प्रिपेयर की हैं उनके अंदर बालों को पिरोया जाता है, और जो एरिया है जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे पूरे बाल लगाए जाते हैं। इन 3 स्टेप्स को पूरी तरह से लोकल एनेस्थीजिया में किया जाता है। पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं, होश में रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, म्यूज़िक सुनते रहते हैं, अपने फ़ोन पे बात करते रहते हैं। उसके अलावा हम इन बिटवीन ब्रेक्स भी लेते हैं, जैसे पेशेंट को जब लगता है चाय कॉफ़ी का ब्रेक लेना है या लंच ब्रेक या कुछ मील ब्रेक लेना है, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। और पेशेंट सुबह आते हैं, प्रोसीजर करा के 6-8 घंटे में वापस अपने घर चले जाते हैं।
सर, ये आपने जो प्रत्यारोपण बताया, क्योंकि नॉर्मली सर्जरी जो दिमाग में होती है वो ये होती है एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद बेहोशी होगी, ना जाने कैसे होगा, ये बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन आपने जिक्र किया FUT और FUE, अब FUT और FUE इनमें से बेटर क्या है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, ये टेक्निक्स हैं दो जिससे कि सेफ जोन से या डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब FUT में हम क्या करते हैं कि पीछे से डोनर एरिया से एक स्किन की स्ट्रिप ली जाती है और उस स्किन की स्ट्रिप में से फिर एक एक बाल को माइक्रोस्कोप में अंडर मैग्निफिकेशन, अंडर डायरेक्ट विजन, एक एक बाल को सेपरेट किया जाता है। FUE के अंदर डायरेक्टली कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके डोनर एरिया से एक एक बाल को निकाला जाता है। मैग्निफिकेशन हम चाहे FUT हो चाहे FUE हो, दोनों टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि साहब मेरे लिए FUT बेटर है या FUE बेटर है। देखिए, दोनों टेक्निक्स के जिसे हम कहते हैं बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं या फिर डिसएडवांटेजेस हैं, ये डिपेंड करता है पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, पेशेंट के लिए क्या टेक्निक बेस्ट है, और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट कम है तो FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अगर मीडियम है तो FUT टेक्निक से बेस्ट रहता है। और अगर ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब एरिया ऑफ बॉल्डनेस जो है वो अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए, तो देन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम FUT और FUE कॉम्बिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से एक मिथ है कि ये टेक्निक बेटर है या ये टेक्निक बेटर है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से जब भी आप मिलेंगे तो वो आपको टेक्निक आपके हिसाब से बताएंगे कि आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट है। FUE यूजुअली हम अवॉइड करते हैं उन केसेस में जिनमें कि पेशेंट्स काफ़ी यंग होते हैं या फिर एरिया ऑफ बॉल्डनेस काफ़ी ज़्यादा है और बालों की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट की एज अगर हम देखते हैं कि 30 साल के आसपास है और प्लस रिक्वायरमेंट जो बालों की है वो करीब 2,000 से 2,500 या मैक्सिमम 3,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उन्हें FUE एडवाइस करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर एरिया ऑफ बॉल्डनेस है और रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट अगर और भी ज़्यादा है तो हमें फिर FUT या फिर कॉम्बिनेशन टेक्निक पे जाना पड़ता है। सो इसमें हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप एक चीज़ से किसी पे आप स्टिक ना करें, आप अपने जो भी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड सर्जन हैं, जो एक्सपीरियंस सर्जन हैं, उन्हें डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या टेक्निक बेटर है। इसके अलावा और भी जो FUT और FUE से रिलेटेड मिथ्स हैं जो काफ़ी पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब FUT के अंदर स्कार होता है, FUE के अंदर स्कार नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये एक बिल्कुल एब्सोल्यूट मिथ है। चाहे FUT हो चाहे FUE हो, ये दोनों एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, दोनों में ही स्कार्स होते हैं। हाँ, FUT में ये होता है कि एक लीनियर, एक लंबा और एक इनकॉन्स्पिकस सा स्कार होता है जो कि 5-6 महीने में विजिबल नहीं होता है, और FUE के अंदर बहुत ही छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक डॉट्स होते हैं स्कार की जो फॉर्म होती है, और वो बाल आने के बाद विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम पूरा हेड शेव कर लेंगे तो चाहे FUT हो चाहे FUE हो, दोनों का स्कार विजिबल होता है। सर, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि नसेस आपकी डैमेज हो जाएंगी, या ब्रेन पर आपका प्रभाव पड़ेगा, या कैंसर आपको हो जाएगा, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इस तरह के मिथ्स बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं लोगों में और वो हमसे आके इस तरह की क्वेरीज पूछते रहते हैं। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं तो कैंसर का कोई चांस नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। उसके अलावा नस डैमेज और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जो हैं, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स अगर वो तरीके से किया जाए और ठीक जगह पर करवाया जाए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर किसी को ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम है तो वो न्यूरोसर्जन के पास जाता है, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो वो कार्डियक सर्जन के पास जाता है। तो ऐसे ही अगर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि ये जो, क्योंकि ये प्रोसीजर्स हैं, ये लाइफ स्टाइल प्रोसीजर्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर्स हैं, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज सेफेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स अगर हम कार्डियक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी या किसी और भी ट्रॉमा सर्जरी से इसको कंपेयर करें। तो वो सेफ्टी पैरामीटर्स जब एक सर्जन ध्यान रखता है, एक एसेप्सिस का प्रोटोकॉल जो होता है ऑपरेशन थिएटर का, वो ध्यान रखते हैं,
सर्जन जो है वो वेल ट्रेंड हैं, आपके क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने के या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस उसमें फिर ना के बराबर हो जाते हैं। बट हाँ, ये एक सर्जरी है, सर्जरी में डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, तो हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप डॉक्टर से मिलें तो इस बारे में आप डिस्कशन ज़रूर करें। सर, क्योंकि कई लोगों के मन में ये दिमाग में आता है कि ये हम करवा तो लेंगे लेकिन क्या ये रिज़ल्ट परमानेंट होंगे, कहीं ऐसा ना हो एक टाइम बाद फिर दोबारा से वो बाल जो है ट्रांसप्लांट कराएं वो हट जाएं, क्या ये सही है कि रिज़ल्ट परमानेंट होते हैं या फिर नहीं होते? देखिए, अगर ट्रांसप्लांट ढंग से किया जाए और एक सेफ़ जोन जो मैंने डिफ़ाइन किया है, जो पहले आपको बताया था कि सर के पीछे का एक हिस्सा होता है जिसे हम सेफ़ जोन कहते हैं, जहाँ से कि बाल लिए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, अगर बाल उस सेफ जोन से ही लिए जाएं ट्रांसप्लांट के लिए तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं और परमानेंटली रहते हैं। हाँ, अगर उस सेफ जोन के बाहर से बाल निकाले जाएं ट्रांसप्लांट के लिए जो जोन की परमानेंट जोन में नहीं आता है, तो डेफिनेटली वो बाल जो होते हैं वो 2-3 साल बाद गिरने शुरू हो जाते हैं। सो ये जब भी आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, वो आपको उसी समय आपको गाइड कर देंगे कि आपके बालों की लाइफ कितनी रह सकती है, आप एक आइडियल कैंडिडेट हो या नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और उस समय जो एसेस करने के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो होता है आपका डोनर एरिया। आपका डोनर एरिया कैसा है, उसमें डेंसिटी कैसी है, उसके बालों की कंडीशन कैसी है, मोटे हैं पतले हैं, इन सब बहुत सारे फैक्टर्स को जब आपके डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो वो आपको उसी समय अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ आपके बालों की लाइफ कितनी रहेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो 12-13 साल से मैं खुद कर रहा हूँ, पेशेंट्स अभी भी हमारे पास आते हैं और उनके सर पर अभी भी बाल हैं। सो बट कुछ सिचुएशंस जो कि हम एक कहते ना कि ना डॉक्टर के कंट्रोल में है ना पेशेंट के कंट्रोल में है, वो है एक तो सबसे पहले एज, और दूसरा है कोई ऐसी मेजर इलनेस हो जाए पेशेंट्स को, कोई ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, लिवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड, जिन सिचुएशंस में बॉडी के नॉर्मल सेल्स ही डैमेज होते जाते हैं धीरे धीरे, उन कंडीशंस में डेफिनेटली जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो भी धीरे धीरे कम होते हैं। जी सर, अब क्योंकि आप जो युवा हैं या जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स देंगे? हाँ डेफिनेटली, देखिए मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने ये देखा, इनफैक्ट स्पेसिफिकली कोविड के बाद हमने और ये देखा है कि जो हेयर फॉल है उसकी समस्या काफ़ी बढ़ गई है यूथ में। आजकल जो पुराने लोग आते हैं या मैं कहूँगा कि मिडिल एज लोग हमें दिखाने आते हैं, उनमें इतनी ये प्रॉब्लम नहीं थी हेयर फॉल की, और जब हमने उसे पोस्ट कोविड थोड़ा एनालाइज किया तो हमें समझ आया कि उसका जो मेजर रीज़न है वो डेफिनेटली, देखिए जो मेल्स में बाल जाते हैं फ्रंट से और टॉप से, उसका रीज़न तो हेरेडिटरी जेनेटिक्स है और वो मेल हार्मोन सेंसिटिविटी की वजह से होता है। बट कई लोगों में, मेल्स में डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, मतलब पूरे स्कैल्प से हेयर लॉस होता है, और फीमेल्स में भी हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आजकल यंग जनरेशन में, और उसका सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम थोड़ा अडॉप्ट कर सकें और ख़ुद का ध्यान रख सकें तो बहुत, और खुद का भी ध्यान रखें और बालों का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकें, क्योंकि स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं हो सकता, आप जस्ट उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक सर्टन लेवल तक मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो बालों की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और बालों की लाइफ भी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, ये तो आपने जाना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि किस तरह से आप करवा सकते हैं। देखिए, जो भी अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो किसी योग्य डॉक्टर के निरीक्षण में ही कराएं, उनके द्वारा ही करवाया जाए। अब आगे प्लास्टिक सर्जरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।